नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका दोस्त चैनल पर। हर कदम आपके साथ, एक नई सोच के साथ। अतिथि शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ा आदेश, बहुत बड़ी खुशखबरी। सभी प्रदेश के अतिथि शिक्षकों में खुशी की लहर। अतिथि शिक्षकों का मानदेय नियमित कर्मचारियों की भांति प्रत्येक माह की 1 तारीख को भुगतान करने के संबंध में आदेश है। तो आइए, क्या लिखा है इस आदेश में हम देख लेते हैं। लेट्स गो। अतिथि शिक्षकों को मानदेय नियोजित कर्मचारियों की भांति प्रत्येक माह की 1 तारीख को भुगतान किए जाने के संबंध में आदेश है। विषय अंकित के संबंध में लेख है कि उपरोक्त संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको निर्देशित किया जाता है कि अतिथि शिक्षकों का मानदेय नियमित कर्मचारियों की भांति प्रत्येक माह की 1 तारीख का भुगतान किया जाए। किंतु मेरे किए गए भ्रमण के दौरान CM हेल्पलाइन पोर्टल में लंबित शिकायतकर्ताओं की समीक्षा के दौरान अधो हस्ताक्षरकर्ता के संज्ञान में यह बात आई है कि आपके संकुल अंतर्गत कार्यरत अतिथि शिक्षकों का मानदेय नियमित कर्मचारियों की भांति प्रत्येक माह 1 तारीख को भुगतान नहीं हो रहा है। पिछले कई माह से आपने अतिथि शिक्षकों का वेतन भुगतान नहीं किया, जिसकी शिकायतें आए दिन CM हेल्पलाइन नंबर में हो रही हैं, जिसमें विभाग की छवि खराब हो रही है तथा आज ही स्थिति में CM हेल्पलाइन में प्रकरण लंबित है। कारण स्पष्ट करें। आपका उक्त कृत्य कर्तव्य के प्रति उदासीनता तथा स्वेच्छाचारित का परिदायक है, अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार अतिथि शिक्षकों का मानदेय नियमित कर्मचारी की भांति प्रत्येक माह की 1 तारीख को भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें तथा लंबित मांगों का मानदेय 5 दिवस के अंदर भुगतान कराना सुनिश्चित करें। यदि भविष्य में अतिथि शिक्षकों के वेतन भुगतान की शिकायतें प्राप्त होती हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई हेतु वरिष्ठ अधिकारियों को लेख किया जाएगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी। जिला शिक्षा अधिकारी, जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश, सिंगरौली, दिनांक 23/3/2019। पृष्ठ क्रमांक 7548, CM हेल्पलाइन नंबर 2019, प्रतिलिपि आयुक्त महोदय लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल, कलेक्टर महोदय जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सिंगरौली, संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग रीवा, समस्त आहरण संवितरण अधिकारी बेरन देवकर वितरंगी की ओर पत्र भेजकर निर्देशित किया जाता है कि अतिथि शिक्षकों का वेतन प्रत्येक माह की 1 तारीख को आहरण कराना सुनिश्चित करें। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे सभी अतिथि शिक्षकों को ये महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। और इसी प्रकार की खबर पाने के लिए आपका दोस्त चैनल से जुड़ना ना भूलिए। सब्सक्राइब और बेल के आइकन पर क्लिक करके वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।